भारत में पिछले कुछ साल से दार्जिलिंग टी की क्वालिटी में मौसम की वजह से गिरावट आ रही है, जिसका बड़ा फायदा नेपाल के चाय व्यापार को हो रहा है। नेपाल पिछले कुछ साल से भारत को बड़ी मात्रा में चाय का निर्यात कर रहा है। दार्जिलिंग की मशहूर चाय के दाम अब गिरते जा रहे हैं। नेपाल से भारत आ रही चाय ने यह कंपटीशन बढ़ा दिया है। पिछले साल से ही दार्जिलिंग के चाय के बागान नुकसान में जा रहे हैं। इस साल मौसम में बरकरार नमी और फॉगी मौसम के चलते चाय की पहली खेप की क्वालिटी पर इसका असर देखने को मिला है। मौसम की मार से गिरी क्वालिटी की वजह से दार्जिलिंग की चाय के दाम 34% तक गिर चुके हैं। दार्जिलिंग में कुल 87 चाय के बागान हैं, जो कि सालाना 8 से 8.5 मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन करते हैं, लेकिन इस साल मौसम की वजह से खराब हुई क्वालिटी से चाय का उत्पादन अनुमान से काफी कम हुआ है। इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पिछले साल चाय बागान मालिकों को 487.30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से कीमत मिली थी, लेकिन इस साल 319.28 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ही मिल पाई है। बागान मालिकों के हिसाब से इस बार जून में होने वाली दूसरी खेप की क्वालिटी पर भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ नेपाल भारत में चाय का एक्सपोर्ट बढ़ाता जा रहा है। पिछले 5 साल में नेपाल से चाय के आयात में बढ़त हुई है। वित्त वर्ष 2015 में नेपाल ने भारत में 111 करोड़ 80 लाख रुपए कीमत की चाय का निर्यात किया। वित्त वर्ष 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 123 करोड़ 10 लाख रुपए पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2017 में यह और बढ़कर 140 करोड़ 90 लाख रुपए पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2018 में 165 करोड़ 50 लाख रुपए तक पहुंच गया, जबकि इस साल मार्च तक 201 करोड़ 90 लाख रुपए की कीमत की चाय का आयात नेपाल से हुआ है। मार्केट में नेपाल की चाय की बढ़ती मांग के पीछे नेपाल से आ रही चाय का कई वैरायटी में मिलना एक बड़ा कारण है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।